ऑफिस कर ले टाइम हो रहा है नहीं बे ऐड कभी नहीं पब्लिक के बे वो छोड़ो ये बार बार लसिका रुकिया निकाल मारा आज अपना मैं छोड़ दूं मैं ऊपर अपने अरे दिखे का कितना गया भाई सी एक वीडियो कैम है वैसे कितने रुपए गया भाई वीडियो ना की पिन की पेन ड्राइव भी निकाल सकते पेन ड्राइव हां Bye.
आपने क्या सुना था? सुना है कि इससे पहले 4-5 दिन पहले यहाँ पे कुछ टोनी टोट के भी हुए, अखबारों खबरें भी थी। वो इस संबंध में मुझे पता नहीं, उस संबंध में ये आयोजन रखा गया है या कोई आस्था के हिसाब से प्रोग्राम रखा गया है? आपने सुना तो था ना कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ? हाँ, ऐसा चला तो था सोशल मीडिया पे। क्या था? कि कुछ टोट के वोट के हुए थे। अच्छा, ठीक है। अब आज जो प्रोग्राम रखा गया उस संबंध में रखा गया है या इनकी कोई अपनी कोई दूसरी आस्था उस हिसाब से रखा गया? सर, सरकारी कार्यालय को धार्मिक के उपयोग कर सकते हैं? नहीं, वो देखिए आस्था की बात है। उपयोग जो मंदिर के रूप में उपयोग करते तो एक अलग बात होती है। मंदिर नहीं, एक मतलब एक पूजा पाठ के हिसाब से इन्होंने अपना प्रोग्राम रखा। सरकारी कार्यालय में कुछ आपत्तियाँ ज़्यादा आ रही थी और पर्सनली ये तो सुझाव अपनी भावनाओं के अनुरूप है और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं अच्छा चले बोर्ड भी और भगवान का भी साथ रहे, पब्लिक का काम हो। इस हिसाब से इस बोर्ड के बनने के बाद कई कर्मचारी अधिकारी जेल जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले पार्षद एक थे, उन्होंने सभापति के साथ बदतमीजी की। अभी टोने टोट के हो गए तो इस पूजा को मुझसे जोड़ कर देखा जाता, आप भी वहाँ गए थे ऊपर, आप भी हिस्सा है बोर्ड का? हमें तो बुलाया गया था जी, ऐसा आयोजन कर रहे हैं तो हमने सोचा कोई अच्छा भी हो तो बढ़िया ही है। और बाकी मुद्दों का आप बता रहे हो, उसमें किसी किसी को संशय हुआ होगा कैसा होना है, ऐसा हो रहा है, चलो भगवान का सहारा भी ले लें। तो अब जो पार्षद बने उसके बाद नगर परिषद बोर्ड में क्या ऐसी घटनाएं हुई जो आप ये कह सकते हैं कि ये ठीक घटना नहीं हुई, चाहे कर्मचारियाँ हमारे बोर्ड बनने के बाद कोई अपने कर्तव्य प्राणता में कमी रह गई या कुछ गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। जेल तो गए हैं? जेल तो गए हैं। अच्छा, और बाकी अभी टोने टोटके वाली कोई बात सुनने वाली वो क्या थी? आप वो पिछले कुछ दिनों में सुना था, हमने भी देखा नहीं क्या कुछ टोने टोटके हुए हैं ऑफिस में, 4-5 लोगों पे आपत्तियाँ आने की संभावना है जी। तो डर स्वाभाविक है, सबको लगता है जी। इस बार ने देखा कि भगवान से आशीर्वाद ले लें या कुछ अच्छा शुद्धिकरण कर लें। मेरे में जैन साहब है वार्ड नंबर 15 से, 15 नंबर वार्ड की समस्याओं को लेकर आया है। तो यहाँ आए तब आपने क्या नज़ारा देखा, क्या यहाँ आया तो पता चला कि नगर पालिका के कर्मचारी सभी पार्षदगण हनुमान जी के सुंदरकांड पाठ में सभी लगे हुए थे और आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के उपलक्ष में अगर इस तरीके के आयोजन होते शहरवासियों के लिए और सबके लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है।